हरियाणा में तमाम स्कूल खुल चुके हैं, सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों को सरकार की तरफ से आदेश दिए गए थे कि 15 तारीख तक बढ़ती ठंड के चलते स्कूलों को बंद रखा जाए। अब छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, हरियाणा में सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूल खुल चुके हैं। शिक्षा विभाग ने 15 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए थे और अब एक बार फिर से स्कूलों में रौनकें लौट आई हैं। बच्चे 15 दिन की छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचे हैं। बच्चों के पास आपस में बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है कि 15 दिन की छुट्टियों में उन्होंने क्या कुछ किया, तो स्कूलों में आज रौनकें नजर आ रही हैं। छुट्टियों के बाद स्कूल खुले हैं, बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है, स्कूल एक बार फिर से रौनक से भर गए हैं। तीन तस्वीरें करनाल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से आप देख रहे हैं। स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, बच्चे अपने बस्ते लेकर स्कूलों में पहुंच चुके हैं। करनाल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से आप देख रहे हैं तस्वीरें। 15 दिन की छुट्टियों के बाद स्कूलों में बच्चे लौटे हैं, रौनक लौट आई है और 15 दिन की लंबी छुट्टी बच्चों ने बिताई। इसके बाद एक दूसरे को बताते हुए नजर आए कि उन्होंने अपनी इस 15 दिन की छुट्टी में क्या कुछ किया। तो छुट्टियों के बाद स्कूल खुल चुके हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं तीन तस्वीरें, करनाल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। करनाल से हमारे साथ आ हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक करते हैं हिमांशु, जिस तरीके से छुट्टियां एक बार फिर से खत्म हो चुकी हैं और 15 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुले हैं, क्या माहौल नजर आता है? जी बिल्कुल, कई दिनों की छुट्टियां थी और उसके बाद अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। फोकस पढ़ाई पर रहना चाहिए। बच्चों से हमने बात की, उनके पेरेंट्स से हमने बात की, तमाम जो अध्यापक वहां पर मौजूद थे उनसे भी हमने बात की, तो मस्ती काफी हो चुकी है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। फरवरी के अंदर बोर्ड होने वाला है 10th और प्लस टू का, और साथ ही साथ जो बाकी क्लासेस रहती हैं उनके भी एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो अब बच्चों का भी यही कहना है कि पढ़ाई पर फोकस रहेगा क्योंकि 15 दिन की काफी मस्ती रही। कोई छुट्टियां मनाने शिमला गया, तो कोई छुट्टियां मनाने के लिए बाकी तमाम जगह गया। तो समझने की बात ये होगी कि बच्चों के लिए कि जो ठंड पड़ रही थी उसकी वजह से जो छुट्टियां की गई थी सरकार की वजह से 15 से 17 दिनों तक, अब ठंड भी धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है और बच्चों का भी जो फोकस रहेगा वो अब पढ़ाई पर रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं महेंद्रगढ़ से, सुशील इनका नाम है। सुशील, जिस तरीके से अब स्कूल एक बार फिर से खुल रहे हैं, क्या माहौल नजर आता है? आज से महेंद्रगढ़ के सभी स्कूल सर्दियों की छुट्टियों के बाद खुल चुके हैं और जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो बच्चे खिलखिलाते हुए जा रहे हैं। बच्चों का एक और तो कहना है कि सर्दी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत अच्छा एहसास हो रहा है कि आज एक लंबी छुट्टियों के बाद वो स्कूल जा रहे हैं। और अध्यापकों का कहना है कि अब सर्दी का मौसम कुछ कम हुआ है, बच्चों की पढ़ाइयाँ सर्दियों में ज्यादा होती है, इसलिए सर्दियों में स्कूल लगाने चाहिए और आज सभी स्कूल अपने निर्धारित समय से लग रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, 15 तारीख तक की छुट्टियां थी, सर्दियों को देखते हुए छुट्टियां बढ़ा दी गई थी और अब स्कूल एक बार फिर से गुलजार हैं, बच्चे अपनी छुट्टियां मनाकर स्कूलों में पहुंच चुके हैं।